ससुराल में सरोजनी का पहला दिन कैसा बीता, आइए आपको उसकी एक झलक नहीं पूरी फिल्म दिखाते हैं। नई नई बहुरानी जब ससुराल में आती है तो उसे रसोई में कुछ बनाना पड़ता है। सरोजनी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। सरोजनी को एक के बाद एक टास्क दिया गया। सरोजनी का पहला टास्क ये था कि खूब सारे दियों के साथ 101 बार भगवान की आरती उतारनी थी। क्रम बहुत सारा है कि हम इस वी हैव लाइक आवर लॉजिक बिहाइंड दैट बट रियली एंजॉयिंग इट। ये एनएसडी से है ना, इसलिए इनको रैगिंग ज्यादा पसंद है। सरोजनी के खिलाफ ये साजिश उसकी सासू देवरानी या जेठानी ने नहीं की थी, बल्कि उसके ससुर जी ने की है। सरोजनी के साथ साथ जरा घर की बाकी लेडीज पर भी नजर फरमाइए, सबकी साड़ियाँ है ना एकदम सेम टू सेम। मजा आ रहा है यार, वी ऑल आर हैविंग फन। मुझे यहाँ पे आके थोड़ा ऐसा फैमिली फीलिंग आ रही है। वहाँ पे मैं बहुत अकेली थी, यहाँ पे आके मुझे भरा भरा लग रहा है। अकेली थी लेकिन मुझे कोई भी मेरा ध्यान नहीं देता था। अब मैं सबके रंग में रंगी हुई हूँ, एक जैसे कपड़े पहनती हूँ। ये सोमेंद्र के पापा के घर की परंपरा है कि सारी लेडीज को एक जैसा ही दिखना चाहिए, इसीलिए इस घर की लेडीज के कपड़े एक ही थान से कटकर आते हैं। एक एक चीज, मतलब चार साड़ियां है एक जैसी, हम सबको एक जैसी साड़ी पहना दी गई है। एक बहुत बड़ा थान आता है जिसमें से काट काट कर सबकी साड़ियां बना दी जाती हैं। ये दुष्यंत का राज ऐसे ही चलता है। इधर सरोजनी हैरान है, परेशान है, तो वहाँ सोमेंद्र है जिनका पैकअप हो चुका है। जाते जाते उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि उनकी बीबी का हालचाल कैसा है, उन्हें तो इस बात की चिंता है कि उनकी सीरियल की टीआरपी कैसे आई है। मोहित, हम जानते हैं कि आप सबको हफ्ते भर इसी चीज का तो इंतजार होता है कि आप सबकी कड़ी मेहनत कितनी रंग लाई है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।